हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिस्ट्री पॉड। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मुगल एम्पायर के 12th रूलर बहादुर शाह के बारे में। दोस्तों, आज मुगल एम्पायर के बारे में कौन नहीं जानता। सब जानते हैं कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी और सबसे ज़्यादा लंबी टिकने वाली एम्पायर थी, मगर कुछ ही सालों में बर्बाद हो गई। और उनके कारण थे कुछ ऐसे रूलर्स जो बहुत ही अय्याश और मस्तीखोर थे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोहम्मद शाह के बारे में, जिनका जन्म अफगानिस्तान के गाजना शहर में हुआ था 7 अगस्त 702 में। इनके फादर का नाम खुजिस्ता अख्तर था, इनका असली नाम रोशन अख्तर था, और इन्होंने 27 सितंबर 1719 को तख्त हासिल किया और उसी साल से इनका शासन चालू हुआ। ये एक ऐसे बादशाह थे जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा। इनके वजह से ही मुग़ल एम्पायर के कई सैनिक मारे गए। ये बहुत ही शराबी और अश्लील किस्म के इंसान थे। इनकी हिस्ट्री जब भी कोई पढ़ना स्टार्ट करेगा तो वो सोच के ये परेशान हो जाएगा कि इनकी हरकतों पर हंसा जाए या रोया जाए। इन्होंने भी बाकी शहनशाहों की तरह कई शादियाँ की थी और इनके भी बच्चे थे। इनके ग्रैंडफादर बहादुर शाह वान ने जब अपने भाई मोहम्मद शाह आजम को 19 जून 1707 को बैटल ऑफ जजाऊ में हरा दिया, तब इनके भाई मोहम्मद आजम शाह वो जगह छोड़कर भाग गए। और फिर दूसरी युद्ध में बहादुर शाह और मोहम्मद शाह के फादर जहान शाह दोनों की उस बैटल में मृत्यु हो गई। और उसके बाद जहांदर शाह ने बहादुर शाह और बहादुर शाह की माँ कुत्सिया बेगम को जेल में डलवा दिया, जबकि जहांदर शाह मोहम्मद शाह के चाचा थे। जब मोहम्मद शाह 17 साल के थे तब उन्होंने सईद ब्रदर्स की मदद से थ्रोन हासिल कर लिया। सईद ब्रदर्स जो थे सईद हुसैन अली खान और सईद हसन अली खान, दोनों की मदद से उन्होंने तख्त हासिल। मगर कुछ समय बाद ही अशरफ शाह वान के साथ मिलकर मोहम्मद शाह ने सैयद हुसैन अली खान को 1720 में फतेहपुर सिकरी में मरवा दिया। और कुछ समय बाद 1722 में सैयद हसन अली खान को जहर देकर मरवा दिया। वो इस किस्म का बेवकूफ़ इंसान था कि जब चाहे अपने पुराने वजीर को आम आदमी बनवा देता और अपने आम आदमी को वजीर बनवा देता। उसने अपने पसंदीदार घोड़े को वजीरों के कपड़े पहनाकर वजीरों के साथ खड़ा करना चालू कर दिया था। हम ये भी कह सकते हैं जब मोहम्मद शाह तख्त पर बैठा था वो मुग़ल एम्पायर का सबसे ख़राब वक्त चल रहा था। उस समय सिर्फ महलों में अय्याशी होते रहती थी और मस्ती होते रहती थी। जब कोई युद्ध होता था उस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। कभी कभी तो मोहम्मद शाह अपने सैनिकों और वजीरों को औरतों के कपड़े पहनकर आने को कह देता था, और कुछ कुछ को तो अपने पैरों में घुंघरू बांध करके आने को भी कह देता था। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, उनकी कुल 4 वाइफ थी, 3 बेटे थे और 3 बेटियां थी। उनकी जो पहली वाइफ थी वो 9th एम्परर फर्रुखसियार की बेटी थी, जिनका नाम था बादशाह बेगम, और उनके साथ उनका शादी 8 दिसंबर 1721 में हुआ था। उनकी दूसरी वाइफ साहिबा महल, उनकी तीसरी वाइफ उधम बाई जिन्हें नाचना बहुत अच्छे तरह से आता था, और उनकी चौथी वाइफ सूफिया सुल्तान बेगम। मोहम्मद शाह को उनकी तीसरी वाइफ उधम बाई से जो बेटा हुआ था जिनका नाम था अहमद शाह बहादुर, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1725 में हुआ था। उन्हें जितना प्यार अपनी माँ से मिलता था उतना ही प्यार बहादुर शाह की पहली वाइफ बादशाह बेगम से भी मिलता था। उन्हें सब बहुत प्यार करते थे। मोहम्मद शाह को अपनी दूसरी पत्नी से जो बेटी हुई थी जिनका नाम था हजरत बेगम, उन्हीं के साथ अहमद शाह बहादुर का निकाह हुआ। फिर यूँ कहें कि उनका निकाह उन्हीं की बहन के साथ हुआ था 1757 में। अब जब 1748 में ईरान के एक जालिम रूलर नादिर शाह ने इंडिया पे आक्रमण किया, उस समय बदकिस्मती से मोहम्मद शाह का राज चल रहा था और उनकी ये युद्ध बस 1-2 दिन में ही समाप्त हो गई। और इस युद्ध में जहां मोहम्मद शाह के पास 1 लाख की फौज थी, वहीं पर नादिर शाह के पास 40,000 की फौज थी। मगर उसके अलावा भी नादिर शाह ये जंग जीत गए।
और आप ये सोच सकते हैं जो बादशाह 1 लाख की फौज लेके 40,000 की फौज से हार गया वो कितना ही सुस्त किस्म का इंसान था। और ये फौज की हारने की वजह थी कि मोहम्मद शाह अपनी सारी तोपों को दिल्ली में ही भूल आए थे, जिसके वजह से नादिर शाह ने इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया और वो जंग जीत गया। अपनी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा शराब पीने की वजह से और नशे में रहने की वजह से 45 ईयर्स में बैटल ऑफ मानपुर में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो। मगर भले ही उनकी मृत्यु हो गई लेकिन उस बैटल को जीत लिया गया। और जब उनकी मृत्यु हो गई उस बात को एक सीक्रेट रखा गया। मगर जब उनके दादा मोहम्मद आजम शाह को ये बात पता चली उन्हें बहुत बुरा लगा और उनकी तबीयत ख़राब रहने लग गई और फिर वो कम से कम 3 दिन तक अपने महल से बाहर नहीं निकले।